को शुरुआत से ही मालूम था कि जो राइवल कंपनी है वो रमन ही है, और वो बताना चाह रहा था इशिता को जब ये बात हुई थी, लेकिन उस वक्त वो बता नहीं पाया बिकॉज वो ट्रैवल कर रही थी, शेयर बोर्ड द फ्लाइट हाईजैक हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई आगे। तो ये ऐसा सीन है जहाँ पे रमन और इशिता को पहली बार मालूम पड़ता है कि जो राइवल कंपनीज है वो एक दूसरे, मानी कि इशिता को मालूम पड़ता है कि रमन राइवल कंपनी है, और रमन को मालूम पड़ता है कि इशिता और मणि राइवल्स हैं। मणि को हमेशा से मालूम ही था, इनफैक्ट ही वॉज अ लिटल अफ्रेड कि जब ये बात ओपन में आएगी, जब ये बात इशिता को मालूम पड़ेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो अलग बात है कि ये जो अब रिवील होने वाला है ये एक बहुत बड़े सीक्वेंस के बाद होने वाला है, जो पुलिस स्टेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रही है रमन से, अगर पहली बार मिल रही होती तो फिर इट वुड हैव बीन अ बिगर ड्रामा ऑब्वियसली। हाँ, ये ऑब्वियसली एक थोड़ा सा सिचुएशन है यहाँ पे जहाँ पे दोनों की जो कंपनीज है वो चाह रहे हैं कि रूहान उनके लिए शूट करे, और रमन चाह रहा है कि एक्सक्लूसिवली रूहान साइंस अप विद देम, एंड मणि का टेक ये है कि सबसे पहले वो साइन कर चुका था ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से रूहान है, रूहान की जो जो मैनेजमेंट है निधि और जो भी है वो सब, दे आर द वंस हु आर स्टक इन द मिडल कि वो क्या करें, कि मणि को पता ही नहीं है कि रूहान अगेन इशिता रमन को पता नहीं कि रूहान जो भी है, राइट? ये ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से इट्स अ वेरी इमोशनल कनेक्ट, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो नहीं जानते, मणि नहीं जानता कुछ, ये दोनों नहीं जानते, एंड रूहान इज़ द ओनली वन हु नोज कि रमन कौन है, इशिता कौन है, मणि कौन है, और वो तो सब ऑडियंस जानती है। मणि मेरे ख्याल से अभी अटैच तो है ऑब्वियसली इशिता से एज अ फ्रेंड, एंड उसने प्रॉमिस तो किया हुआ है कि ही इज नॉट गोइंग टू अलाउ दोज काइंड ऑफ फीलिंग्स जो प्रपोज किया था उससे टू कम इन द मिडल, तो अभी तक तो आई थिंक ही हैजंट अलाउड इट टू कम इन द मिडल येट, सो ही इज जस्ट अबाउट ऑलराइट मे बी, एंड ही इज हैप्पी फॉर इशिता, ही जस्ट होप्स एंड दैट व्हाटएवर हैपेंस फॉर इशिताज वेलनेस एंड शी इज हैप्पी। इशिता है जो चाह रही है कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, मुझे यहाँ से भागना है, मुझे यहाँ से निकलना है, और मुझे लगता है कि मणि को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो बोलती कि उसको रहना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिलहाल ऐसा है सिचुएशन। काफी कंपोज बिल्कुल जेलस नहीं होती करेक्ट होते हैं क्या? मेरे ख्याल से अभी तक तो ठीक ही है, तो और मैं रियल लाइफ में भी काफ़ी कंपोज हूँ जनरली, तो इट्स वेरी एफर्टलेस राइट नाउ।